बच्चों को यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चों, मैं आज पांचवी कक्षा के कौन सी कक्षा के पांचवी कक्षा के पहले पार्ट को समझाने के लिए यहाँ आई हूँ। हमारा पहला पार्ट का नाम क्या है? प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। यहाँ एक छोटी सी कविता आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? छोटी सी कविता को यहाँ दिया गया है। तो चलो इस कविता को हम देखेंगे। क्या दिया गया है इस कविता में? इस कविता का नाम तो यहाँ दिया गया है कि प्रार्थना। प्रार्थना माने क्या है? प्रेयर। प्रार्थना माने क्या है? प्रेयर। तो प्रार्थना कौन किनसे करने लगे थे और क्या कर कर क्या कर प्रार्थना करने लगे थे? देखिए यहाँ तो हमारे किताब में इस चित्र में दिखाई दे रहा है। क्या है? सूरज है, पहाड़ है, पक्षी है और नदियां भी है और नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे है, उनको फूल है और कुछ तितलियां भी है। मानो कि यहाँ कौन सा समय है? प्रातः समय। प्रातः समय माने क्या है? अर्ली मॉर्निंग। उस समय में दोनों बच्चों ने, एक लड़की और लड़का, दोनों बच्चों ने खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे थे। अब हम देखेंगे कि इस प्रार्थना में ये दोनों बच्चों ने क्या कहकर प्रार्थना करने लगे थे। देखेंगे। चलो बच्चों, आप भी मेरे साथ किताब को निकालकर देखते हुए सुनिए। देखेंगे पहला क्या है। हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे। हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे। तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे? तुम बिन बिगड़ी कौन सवारे? तो यहाँ पर देखिए बिगड़ी, बिगड़ जाना, टूट जाना, खराब हो जाना। सवारे, सवारे माने क्या है? यहाँ पर देखिए सवारे माने क्या है? बनाए, मानो कि भलाई करना, अच्छा करना। अगर भगवान ना हो तो जो बिगड़ गया है उसे संवारता है। मानो कि एक काम खराब हो गया समझो, तुरंत अगर हमें कुछ कष्ट आ गया समझो, हम तुरंत क्या करते हैं? भगवान से प्रार्थना करते थे, हमें अच्छे होने चाहिए, हमारी भलाई होनी चाहिए। मानो कि यहाँ संवारा कौन करता है? भगवान करता है। इसलिए बच्चों ने करने लगे कि तुम बिना बिगड़ी कौन सवारे? अगर तुम नहीं हो तो हमारी बिगड़ी हुई काम को कौन सवारते हैं, कौन अच्छे करते हैं? समझ में आया ना पहला दो पंक्तियां? हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे। हमारे घर में जो माता पिता हैं उनसे भी बढ़कर हमें कौन है? भगवान है। भगवान स्वरूप भी कौन है? माता पिता है। और देखें दूसरे दो पंक्तियां। हम नादान बालक तेरे सहारे हैं, तुम्हारी दया को यही मांगते हैं। यहाँ पर देखिए हम नादान बालक, नादान माने क्या है? इनोसेंट। नादान माने क्या है? इनोसेंट, मासूम, मासूम बच्चे हैं। कौन है? हम बालक, हम नादान बालक
बने सबको भलाई सिखाए। भले हम बने, भले माने क्या है? अच्छी। भले माने क्या है? हम अच्छे बने और दूसरों को भी हम अच्छाई करेंगे। अगर मैं अच्छी नहीं हूं तो दूसरों को मैं अच्छाई करती हूँ क्या? नहीं करती। तो ये बच्चों लोगों ने क्या कहने लगे हैं भगवान से? हम अच्छे बने और दूसरों को अच्छाई करें। हम भले बने, भलाई करेंगे। समझ में आया ना? पढ़ाई लिखाई में सदा मन लगाए। भले हम बने सबको भलाई सिखाए। सिखाए माने क्या है? टू लर्न, सिखाना। बड़ों और छोटों का आदर करें हम। बड़ों का और छोटों का भी हम आदर करते हैं। आदर माने क्या है? रेस्पेक्ट। ना यहाँ पर देखिए, आदर माने क्या है? सम्मान, ऑनर, रेस्पेक्ट। बड़ों से हम क्या कैसा रहना चाहिए? आदर पूर्वक से रहना चाहिए। वैसे ही कैसा? बड़ों का और छोटों का आदर करें हम। बने सत्यवादी, कभी ना डरे हम। सत्यवादी माने क्या है? यहाँ पर देखिए, सत्यवादी सदा सच बोलने वाला। सदा माने क्या है? हर दिन, हमेशा। क्या बोलता रहता है? सच ही बोलता है। सच बोलने वाला कभी तो डरता है क्या? नहीं डरता है। सच बोलने पर हमें डरने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। जो सच बोलता है वहां कभी भी नहीं डरता है। बच्चों लोग भी यही चाहने लगे थे। बने सत्यवादी, कभी ना डरे हम। हम सत्यवादी बनेंगे और कभी भी नहीं डरेंगे। अगली पंक्ति देखिए, हो जन कल्याण काम हमारा। जो हमारा काम होता है ना, जन का कल्याण ही करना। कल्याण माने क्या है? भलाई, अच्छाई करना। जन, जन माने कौन है? जनता। इस दुनिया में जो भी जनता है उसकी भलाई ही हम करेंगे। जन जन की सेवा करें हम। हर एक जन की, हर एक प्रजा की, हर एक मानव की हम सेवा करेंगे। तुम देना साथ हमारा सदा। साथ मानो की सपोर्ट, मानो की भगवान की साथ हमें रहने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम देना साथ, साथ सदा। मानो कि भगवान को कहने लगे थे, तुम्हारा साथ हमारे सदा रहना चाहिए। तुझे भूलकर ना कोई काम करे हम। तुझे भूलकर मानो कि भगवान को भूलकर हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। भगवान का स्मरण लेकर ही हम काम करेंगे। यहाँ है इस प्रार्थना कविता का अर्थ। बच्चों आपको समझ में आया ना? मैं एक बार इस कविता को पढ़ती हूँ, आप अपनी कविता आपकी किताब में देखिए। चलो, हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे। तुम बिना बिगड़ी कौन सवारे। और एक बार देखिए, हे प्रभु तुम हो माता पिता हमारे। तुम बिना बिगड़ी कौन सवारे। हम नादान बालक तेरे सवारे। तुम्हारी दया हो यही मांगते हैं।
दया कृपा सदा हमेशा, सदा हमेशा। भले नेक, भले माने क्या है? अच्छा, ये नेक। आदर सम्मान, आदर सम्मान माने क्या है? हॉनर रेस्पेक्ट। बिगड़ी, बिगड़ा हुआ काम। बिगड़ी माने क्या है? बिगड़ा हुआ काम। नादान मासूम, नादान मासूम मानो कि इनोसेंट। मन हृदय, मन हृदय। भलाई नेकी, अच्छाई मानो कि क्या है? अच्छाई। सत्यवादी सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी सदा सत्य बोलने वाला। सत्यवादी कभी तो डरता है क्या? कभी भी नहीं डरता है। बच्चों आपको यहाँ प्रार्थना कविता अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? ठीक है, आप भी इस कविता को एक बार